और लिया भूखे लिया दूसरे ज्योतिराज जी आप स्वागत ज्योतिराज जी ज्योति जी भूखे लिया ज्योति जी स्वागत सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के परिवार में मुझे सम्मिलित किया। कुछ ही सालों में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्राचीन संस्कृति को 21वीं सदी से जोड़कर हिंदुस्तान को धर्म राष्ट्र के निर्माण में जो कार्य किया है पूरा देश उसको सराह रहा है। 32 सालों तक मैं एक पार्टी में रहा, ईमानदारी से लगन से मेहनत किया, परंतु जिस पार्टी में इतने साल रहा वो अब वो पार्टी रह नहीं गई जहां मैंने शुरुआत की थी और ना तो वो सोच रह गई है। अगर देश में राष्ट्र निर्माण करना है और देश में आगे बढ़ाना है तो मैं एक छोटे कार्यकर्ता के हैसियत से हमारे ओजस्वी प्रधानमंत्री जी के सपनों को पूरा करने के लिए जो भी प्रयास होगा अवश्य करूंगा। बहुत सालों से बहुत समय से तमाम लोग मुझसे कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी में आपको जाना चाहिए। बहुत समय से सोचा पर अंत में यही कह सकता हूं प्रधान जी देर आए दुरुस्त आए। आज उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं, चार और राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, परंतु सबसे महत्वपूर्ण क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश का हूं, उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का दिल है। हिंदुस्तान में जब प्रगति होगी तो देश में प्रगति होगी। पिछले 7 सालों में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो बड़ी योजनाएं उत्तर प्रदेश में हुई हैं पूरे उत्तर प्रदेश ने देखा है, और पिछले 5 सालों में जो डबल इंजन की सरकार योगी जी उत्तर प्रदेश में, प्रधानमंत्री जी देश में, हमारे उप मुख्यमंत्री गण संगठन ने जिस तरह की बड़ी योजनाएं और निर्माण, मैं मुझे गर्व है कि मैं पूर्वांचल से आता हूं और पूर्वांचल में जिन योजनाओं के बारे में प्रयास किया जाता था, जो सपनों में देखा जाता था, आज उनको हकीकत में पूर्वांचल के लोगों ने देखा है और उसको उतारने का काम डबल इंजन की सरकार ने किया है। बहुत सालों से उत्तर प्रदेश में राजनीति कर रहा हूं और आप उत्तर प्रदेश से सब लोग वाकिफ हैं, कानून व्यवस्था को जिस तरह ठीक करने का काम इन 5 सालों में इस सरकार ने किया है कि अगर कानून व्यवस्था ही उत्तर प्रदेश में नहीं रह जाएगी तो उत्तर प्रदेश और देश कहां जाएगा। ज्यादा ना कहते हुए मैं फिर से आप सबको धन्यवाद देता हूं और विश्वास दिलवाता हूं कि एक छोटे से कार्यकर्ता के साथ देश के निर्माण में, उत्तर प्रदेश के निर्माण में जो भी आप मुझे काम देंगे उसको अवश्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।